गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास सेवन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज 15.3 के अप टू 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। सो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या गिवन है। टू रोड्स 3 मीटर वाइड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ अ गार्डन क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स रनिंग पैरेलल टू द साइड्स ऑफ गार्डन 35 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। एक कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कितना लॉन्ग है 35 मीटर एंड वाइड कितना है, वाइड का मतलब उसकी ब्रेथ कितनी है, दिस साइड इज 25 मीटर। और इसके बीच में बोला गया है कि रोड बनी हुई है कुछ इस टाइप से। पार्क में हमने देखा ये जनरल कैसा होता है रोड्स, या चलने के लिए जो वे बनाया जाता है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है। तो ये जो एरिया है ये पूरा क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी विड्थ गिवन है कितनी, 3 मीटर। अब अगर ये 3 मीटर है तो हमारे पास ये साइड और ये साइड कितनी होगी, इन साइड्स की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। 35 में से सबसे पहले तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 35 माइनस 3 32। और अब ये 32 जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ये वाला और सेकंड ये वाला। कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास होता है 16। तो ये हमारे पास हो गए 16 मीटर के। सिमिलरली अगर इस साइड की बात करें तो कितना होगा, 25 माइनस 3 दैट इज़ 22। 22 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने के आ जाएंगे, 11 मीटर के। तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं किसका, एरिया ऑफ रोड। रोड का एरिया फाइंड करना है हमें। सबसे पहले तो रोड का एरिया फाइंड कैसे होगा, टोटल रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया फाइंड करके ये जो पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं, इनका एरिया उसमें से माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर पार्क का एरिया निकल गया तो बीच में कौन सा एरिया बचेगा, जो सिर्फ रोड्स का एरिया है वो हमारे पास बचेगा। तो पार्क का एरिया कितना होगा, पार्क की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 35 इंटू 25। उसके बाद माइनस कितना, कितने शेप्स हैं हमारे पास, कितने रेक्टेंगल्स हैं, 4। सो 4 इंटू इनकी लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड की कितनी कितनी, 16 एंड 11। सो 16 एंड 11 माइनस कर देते हैं, 35 इंटू 25 कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 इंटू 25, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 15 17 एंड 35 2 70। तो ये हमारे पास आ गया 875। इसको ए लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोड को हम 875 माइनस 16 इंटू 11 होता है 176। तो 6 4 24, 7 4 28 प्लस 2 कितना हो गया, 30 एंड 3 कैरी, सो 7 माइनस 875 ए। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 माइनस 0 इज 7 एंड 8 माइनस 7 इज 1। तो ये हमारे पास 171 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ए आर ऑफ रोड, रोड का एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर का रेट है, रेट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना, ₹80, तो टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर हमें रोड बनानी है तो कॉस्ट कितनी लगेगी। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए अगर ₹80 लग रहे हैं, 1 स्क्वायर मीटर के लिए ₹80, तो हमने एरिया निकाला था 171 स्क्वायर मीटर, उसके लिए कितने लगेंगे, 171 इंटू 80 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 एज इट इज़, 8 1 8, 8 7 56, 5 कैरी एंड 8 और 5 13। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई ₹13,680। ये हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6, वन साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिया है तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला एरिया का बेस इंटू हाइट। डायग्राम दे रखा है, उसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें दो साइड्स की, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम गिवन है हमें, उसकी साइड्स की वैल्यू भी गिवन है, कितनी कितनी, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दिस साइड इज़ 9 एंड दिस साइड इज़ 10, और एक ही लाइन बना रखी है जो हमें 90 डिग्री के एंगल पे बना रखी है। पैरेललोग्राम और इस पॉइंट्स के नेम दे रखे हैं, ई पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वन साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर दी हमने, एंड इट्स एरिया इज 54 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया की जगह 54। अब जो ये वाली साइड होती है ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक। और जो परपेंडिकुलर लाइन दिखाई गई है ये हमारी होती है हाइट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमारी हाइट है, और परपेंडिकुलर जहाँ पे बना रही है वो 90 डिग्री का एंगल, दैट इज़ नॉन एज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेस की जगह हम 9 पुट कर देते हैं सबसे पहले, तो बेस की जगह 9 लिख दिया इंटू एच, तो एच की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 54/9, दैट इज 6 सेंटीमीटर में गिवन था, तो सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई, ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। उसके बाद इफ़ सेकेंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर, ये वाली साइड अगर 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर, सॉरी फाइंड ए ई, ए ई मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स हमें पता है, थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के साथ वाली दो साइड्स का स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो इसको एक बार x मान लो, 90 डिग्री के साथ साथ वाली दो साइड्स कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 6 इंटू 6 हमारे पास हो गया 36, एंड वॉट इज 10 इंटू 10 इज 100। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 64 आता है, इट इज़ 8। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ए ई की जो लेंथ थी वो हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर हमारे पास ए ई की लेंथ आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, अ पैरेललोग्राम हैज़ वन साइड क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड पी एम इज इक्वल टू 3.6। तो डायग्राम बना लेते हैं, लिख लेते हैं जिन जिन साइड्स की वैल्यू गिवन है। वापस से पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम के फॉर्मूला आपको बता दिया, एरिया का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री वाली साइड है, ये क्या होती है हमारी बेस और हाइट, और जहाँ पे मीट कर रही है वो हमारा होता है बेस। अब इसमें दो ऐसी लाइंस गिवन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये दोनों हमारी हाइट होंगी, और ये वाली जो दो लाइंस होंगी ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। अब इन साइड्स का नेम, पॉइंट्स का नेम गिवन है पी क्यू आर एस, और इन पॉइंट्स का नेम गिवन है एन एंड एम। क्यू आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू 5 है, और किसकी वैल्यू गिवन है, पी एम, पी एम की वैल्यू ये हाइट गिवन है 3.6, और गिवन है देखो पी एन, ये भी गिवन है 4.5। फाइंड द अदर साइड, अदर साइड का मतलब ये वाली साइड फाइंड करनी है, क्योंकि ऑपोजिट साइड तो इक्वल ही होती हैं, तो ये हमें पता चल गया 5। अदर साइड ये वाली साइड हम फाइंड कर लेंगे तो ये दोनों पता चल जाएंगी, हमें सारी साइड्स पता चल जाएंगी पैरेललोग्राम की। तो अब देखो पैरेललोग्राम में दो हाइट दो बेस, मतलब एक हाइट एक बेस ये, और एक हाइट एक बेस ये। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम, तो हम लिखते हैं एक हाइट इंटू एक बेस करके देखते हैं क्या बनता है। हाइट इंटू बेस 3.6 इंटू 5, ये हमने फर्स्ट हाइट और फर्स्ट बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, जो सेकंड हाइट है और
सेकंड बेस के इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल। सेकंड हाइट कितनी है 4.5, और सेकंड बेस की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको बी पड़ा रहने देते हैं। अब 4.5 को हम इस साइड ले जाते हैं, बी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4.5। सो ये पॉइंट से हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देख लो क्या कैंसिल होता है, 5 9 45 एंड 9 4 36। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यही फाइंड करनी थी हमें, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ अदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर डायगोनल फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज 2.6 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर टू द शॉर्टर डायगोनल फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स। ये पैरेललोग्राम है, इसको नेम दे देते हैं हम कुछ भी, ए बी सी डी नेम दे देते हैं एक बार के लिए, ए बी सी एंड डी। अब इसमें दो डायगोनल है, एक लॉन्गर डायगोनल है एंड एक हमारे पास क्या है, शॉर्टर डायगोनल है। अब जो लॉन्गर डायगोनल है वो कितने सेंटीमीटर का है, दैट इज़ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, एंड शॉर्टर डायगोनल इज़ ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है कि एक परपेंडिकुलर जो है उसकी हमें हाइट गिवन है 2.6। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, उसकी हाइट गिवन है 2.6। अब पूछा गया कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट ट्राइंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल राइट साइड वाला ट्राइंगल बी ओ सी, ये क्या होंगे, इनके एरियाज, एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज इक्वल। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली इसका भी हाफ इंटू, इसके बेस को हम बी डैश मान लेते हैं और इसके बेस को हाइट को एच डैश मान लेते हैं। सो ये हाफ से हाफ तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेस, इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा, ये पूरी लेंथ कितनी थी 6.5, ए सी इज इक्वल टू 6.5, बट हमें कितनी चाहिए, सिर्फ यहाँ तक, ये वाला हमारा बेस है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ कितना हो जाएगा, इसका हाफ, हाफ इंटू 6.5। तो इसका बेस हमारे पास आ गया हाफ इंटू 6.5। हाइट कितनी होगी, हाइट तो हमने मान ही रखी है एक्स, ये तो हमें फाइंड ही करनी है, सो इंटू एक्स। अब देखो नेक्स्ट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमारा बेस क्या होगा, ट्राइंगल बी ओ सी में जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन टच हो रही है, परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, वो बेस होता है ना। पूरा था 7.5, कितना बी डी डायगोनल हमारा था 7.5, तो बी ओ, बी ओ कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7.5, उसका आधा हो जाएगा। तो इसके बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ इंटू 7.5। और क्या चीज़ चाहिए होती है, हाइट, हाइट दे रखी है 2.6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगेन ये हाफ से ये वाला हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, 7.5 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाय 6.5। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब डिवाइड कर लो, या ये पॉइंट कैंसिल करके एक ज़ीरो भी लगा सकते हैं। सो 13 2 जै 26 एंड 13 5 जै 65, 50 बच गया, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और ये 25। अब 5 से कैंसिल कर लो, कितना 5 5 जै 25 एंड 5 1 जै 5 5 3 जै 15, स�री 5 5 जै 25। अब अगेन कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जै 5 एंड 5 3 जै 15। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करनी थी कि
जो शॉर्टर डायगोनल है उस पे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी या हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल कितनी होगी। तो ये हमारे एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।